सो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कक्षा. दिस इज यश और आज हम कवर करेंगे विस्तास का चैप्टर वन. चैप्टर है द थर्ड लेवल और इसको लिखा है जैक फिनी ने. ठीक है, अब वैसे चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है भाई, ठीक है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार CBSE ने सैम्पल पेपर्स रिलीज करे हैं जो 2020 के, उसमें इसका 2 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है और इसके अंदर इतना सारा कंटेंट है ना कि इससे 6 मार्कर क्वेश्चन भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल. ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स है चैप्टर, तो अपनी अप्रोच ये रहेगी इसमें कि हम सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेंगे. ठीक है, हम स्टोरी समझने की कोशिश करेंगे क्या स्टोरी है. ठीक है, उसके बाद हम अपनी बुक लेंगे और बुक में से लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे. ठीक है, तुम्हें बुक उठाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तुम्हें इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा. ठीक है, तो यार अब शुरू करते हैं. सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम. 3 मेन कैरेक्टर्स हैं इसमें, चार्ली, सैम वीनर और लुइजा. ठीक है, चार्ली की वाइफ है लुइजा और चार्ली का फ्रेंड है सैम वीनर. जो सैम वीनर है वो साइकियाट्रिस्ट है. ठीक है, तो यार जो स्टोरी शुरू होती है वो शुरू होती है तुम्हारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा सा रेलवे स्टेशन है. ठीक है, और जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो एक दिन ऑफिस से अपने घर जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है. जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है तो वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो चलते चलते खो जाता है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे गेट्स हैं, बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं उसके अंदर. तो फिर इसलिए चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे खो जाता है और अपने आप को एक नए 3rd फ्लोर पर पाता है. 3rd फ्लोर का मतलब ये कि उसे 3rd फ्लोर इसलिए पता चला क्योंकि वहाँ पर जो लोगों ने अटायर पहना हुआ था, जो उनके कपड़े थे, लोगों का अटायर था, वो पुराने ज़माने का था. इसी के साथ वहाँ पे वो एक न्यूज़पेपर देखता है द वर्ल्ड, जो पब्लिश हुआ था June 11, 1894 को. ठीक है, June 11, 1894 की पब्लिशिंग डेट लिखी हुई थी न्यूज़पेपर पे. तो बेसिकली क्या हुआ कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन गया और जब वो 3rd लेवल पे आ गया तो बेसिकली वो टाइम ट्रांसेंड कर गया है, वो प्रेजेंट डेट से 1894 में चला गया है. ठीक है, तो अब जब वो 1894 में आ ही गया है तो वो सोचता है कि मैं अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए गेल्सबर्ग इलिनॉय की 2 टिकट्स परचेज कर लेता हूँ. ठीक है, लेकिन वो टिकट्स परचेज नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास तुम्हारी न्यू करेंसी होती है और 1894 के वक्त ओल्ड करेंसी चलती थी. तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो अपनी ये सारी स्टोरी जो है अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर को सुनाता है. जब वो स्टोरी सैम वीनर को सुनाता है तो सैम वीनर को लगता है कि जो चार्ली है वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी है और जो वर्ल्ड है उसके अंदर वॉर हो रही है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर है, तो इसकी वजह से जो चार्ली है ही वॉन्ट्स एन एस्केप फ्रॉम हिज रियलिटी. ठीक है, और इसके बाद जब उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है, चार्ली के फ्रेंड्स को, तो फिर वो भी यही समझते हैं क्योंकि चार्ली की एक हॉबी थी कि वो स्टैम्प कलेक्ट किया करता था. चार्ली के ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और चार्ली भी हमारा स्टैम्प कलेक्ट करता था. तो उसके फ्रेंड्स को ये लगता था कि कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स इज ऑल्सो एन एस्केप फ्रॉम रियलिटी. ठीक है, अब यार इसके बाद हमारी स्टोरी जो है वो आगे प्रोग्रेस करती है और हमें पता चलता है कि चार्ली एक दिन अपनी स्टैम्प कलेक्शन देख रहा होता है पुरानी. ठीक है, तो जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन होती है उसमें एक बहुत पुराना उसके ग्रैंडफादर के टाइम का उसको स्टैम्प मिलता है जिसपे डेट होती है July 18, 1894. ठीक है, और उस एनवलप के अंदर जिसपे स्टैम्प लगा हुआ था एक लेटर होता है जो एक्चुअली सैम वीनर ने चार्ली को एड्रेस कर रखा था और उसने कहा था कि मैं सेफली गेल्सबर्ग इलिनॉय पहुंच चुका हूं और वो इनवाइट करता है चार्ली और लुइजा को कि वो भी आए वहां पर क्योंकि इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस. उसके बाद जब चार्ली को ये दिखता है उसके बाद वो फिर बैंक जाता है और वहाँ बैंक में रिकॉर्ड्स चेक करने पे उसे पता चलता है कि सैम वीनर ने $800 की न्यू करेंसी देके ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करवाया था ताकि वो अपना एक नया बिजनेस वहाँ पे खोल सके. वो बिजनेस था हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस. ठीक है, और इसके बाद यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. तो अब यार सुनने में स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन थोड़े से कनेक्शंस बन गए होंगे तुम्हारे माइंड में कि चीज़ें कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं. अब इसके बाद जब हम बुक तुम्हारी बुक है विस्तास उसकी लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाएंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तुम्हारे फैक्ट्स इस्टेब्लिश हो जाएंगे और तुम एग्जाम में अच्छे से आंसर्स लिख पाओगे. तो यार चलो अब हम अपनी विस्तास में डिस्कस कर लेते हैं एक बार ये चैप्टर द थर्ड लेवल. ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, मैं बताता रहूँगा
साथ साथ मार्क करता रहूंगा तो तुम कॉन्सेंट्रेट करके सुनोगे तो सब कुछ तुम रजिस्टर कर पाओगे और इन इंस्टेंसेस को तुम पेपर में भी अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि द प्रेजिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इन सब ने स्वीयर किया कि जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है इसके ऊपर सिर्फ दो ही लेवल्स थे, ठीक है। लेकिन यार जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, वो कहता है कि दो फ्लोर्स नहीं, तीन ही फ्लोर्स हैं। तो ऑब्वियसली वो ये बात जाके अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर को बताता है, ठीक है। सैम वीनर कहता है कि जो चार्ली है वो अनहैप्पी था एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी, और इसकी वजह से चार्ली एक एस्केप चाहता था रियलिटी से। सैम वीनर ये रीज़न साइड करता है चार्ली को थर्ड लेवल एक्सपीरियंस होने के, ठीक है। जब वो अपने फ्रेंड से बात करता है तो उसके फ्रेंड्स भी उसकी स्टैम्प कलेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो चार्ली की हैबिट थी स्टैम्प कलेक्टिंग की, इट इज़ बेसिकली अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। तो इसी की वजह से जो चार्ली है उसको थर्ड लेवल एक्सपीरियंस हुआ। तो ठीक है यार, अब हम आ जाते हैं आगे। तो इस स्टोरी में आगे ये अपनी ग्रैंड सेंट्रल वाली स्टोरी सुनाता है कि वहाँ पर हुआ क्या था। तो ये बताता है कि एक दिन ये रात को लेट काम कर रहा था अपने ऑफिस में और उसको अपने अपार्टमेंट में जाना था। तो उसने सोचा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन ले लेता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ फास्टर दैन द बस, ठीक है, इट इज़ फास्टर दैन द बस। अब इसके बाद इसने अपनी डिस्क्रिप्शन दी है। तो बेसिकली 31 ईयर्स ओल्ड, टैन गैबर्डीन सूट और स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, ये चार्ली की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो चार्ली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन पुट दीज पॉइंट्स इन देम। उसके बाद ये बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये कैसे पहुंचा। ये बता रहा है इसने वैंडरबिल्ट एवेन्यू से टर्न लिया और वहाँ पे फर्स्ट लेवल जो था वहाँ पे 20th सेंचुरी नाम की ट्रेन जाती थी। जब ये सेकंड लेवल पे गया वहाँ पर सब अर्बन ट्रेन जा रही थी। तो सब अर्बन का बेसिकली क्या मीनिंग होता है, सब अर्बन जो होता है ये होता है तुम्हारा आउटर एरिया ऑफ टाउन, ठीक है। सब अर्बन ट्रेन होती हैं बेसिकली जो आउटर एरिया होते हैं टाउन के, उन साइड जो ट्रेन जा रही होती हैं न्यूयॉर्क से, वो सब अर्बन ट्रेन होती हैं तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद ये बताता है कि जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, उसमें खो जाना बहुत आसान है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है। ही वॉज ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, ठीक है। तुम कहीं ना कहीं से कहीं भी पहुंच जाते हो, कहीं पे तुम एंट्री करते हो, कहीं और से ही एग्जिट करते हो। अब इसने यहाँ सारे में यही चीज़ बताई है और एंड में इसने ग्रैंड सेंट्रल को कहा है कि इट इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री विच इज़ पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस, ठीक है यार। तो अब यहाँ भी इसने वही सब बता रखा है कि ये कैसे वहाँ पर चलता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में और कई बार पहले भी खोया है, कहीं से एंट्री करी, कहीं पर एग्जिट ले लिया। इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है। अब यहाँ पर आगे इसने ये कहा है कि ये थर्ड लेवल पे कैसे पहुँचा। तो इसने बताया है कि जो टनल है इट टर्न शार्प लेफ्ट, और इसके बाद इसने बताया है कि ये एक ओपन स्पेस में पहुँचा, और उसने बताया कि जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसको एक नई सी दुनिया दिखी। तो उसको लगा कि शायद ये सेकंड लेवल ही होगा क्योंकि थर्ड लेवल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन फिर उसने देखा कि जो रूम था वो स्मॉल हो चुका था, ठीक है। तुम्हारा जो रूम था वो स्मॉल हो चुका था, टिकट विंडोज़ कम हो चुकी थी, ट्रेन गेट्स कम हो चुके थे, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था तुम्हारा वो वुड का बना हुआ था अब, ठीक है। इसके बाद इसने ये भी बताया जो लाइट थी वो डिम हो चुकी थी और सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद उसने उसका रीज़न साइड किया कि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ठीक है। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स बेसिकली मीन्स जो तुम्हारी आग की मशालें जल रही होती है पुराने ज़माने में, वो जल रही थी यहाँ पे। इसके बाद इसने और भी चीज़ें बताई हैं, दैट देयर वर ब्रास स्पिटून्स। तो स्पिटून्स बेसिकली क्या होता है तुम्हारे, जो स्पिटून्स होते हैं, स्पिटून्स आर तुम्हारे मेटल पॉट्स, ठीक है। तो इसने बताया कि ब्रास स्पिटून्स पड़े थे फ्लोर्स के ऊपर, और इसके साथ इसने अलग अलग लोगों की डिस्क्रिप्शन दी है कि ही वोरा डर्बी हैड ब्लैक फोर बटन। तो ये सब बेसिकली लोगों ने पुराने ज़माने का अटायर पहना हुआ था, तो वो समझ रहा था धीरे धीरे कि उसके साथ क्या हो रहा है। बेसिकली वो एक पुराने टाइम में जा चुका था थर्ड लेवल पे जब वो आया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो इसके बाद इसने एक विमेन का अटायर डिस्क्राइब किया है कि कैसा था वहाँ पे। फिर इसने एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है ये कि इसने देखा करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, ठीक है। तो इसने एक ट्रेन की फ़ोटो देखी जो करियर एंड ईव्स थे उन्होंने बनाई थी, और इसी के साथ इसने देखा द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया था, और जो इसकी प्रिंटिंग डेट थी वो थी जून 11, 1894।
तो अब ये कंफर्म हो चुका था कि बेसिकली जो हमारा चार्ली है वो टाइम ट्रैवल करके 1894 में पहुंच चुका था। तो इसके बाद ये टिकट काउंटर पे गया क्योंकि वो अपने लिए और लुइजा के लिए गेल्सबर्ग इलिनॉय की टिकट्स खरीदना चाहता था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ही वॉन्ट गेल्सबर्ग ही आई वॉन्टेड टू टिकट टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। तो अब इसने इस वाले पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में इसने गेल्सबर्ग इलिनॉय का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इट वॉज अ पीसफुल प्लेस और ट्रेमेंडस ट्रीज थे वहाँ पर, ठीक है, पाम लीफ फैंस थे, फायरफ्लाइज थी, पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम था, ठीक है, क्योंकि 1914 तुम्हारा वर्ल्ड वॉर वन और 1945 तुम्हारा वर्ल्ड वॉर टू, और ये हम बात करें 1894 की, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर से पहले का टाइम था, बहुत ही पीसफुल शहर था, और ऑब्वियसली अब तक हम ये इन्फर कर चुके हैं कि जो हमारा चार्ली था ही वॉज अ पीस लविंग पर्सन, ठीक है। तो अब आ जाता है कि जब वो गेल्सबर्ग इलिनॉय की टिकट्स लेने गया तो क्लर्क ने फेयर फिगर आउट किया। तो फिर वो बताता है जब क्लर्क उसे फेयर, तो ऑब्वियसली चार्ली अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल के क्लर्क को दे देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो चार्ली करेंसी दे रहा था वो न्यू करेंसी थी, और उस टाइम जो क्लर्क था वो 1894 की करेंसी एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है। तो फिर ये दिक्कत हो गई और क्लर्क को लगा कि उसको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है हमारा चार्ली, ठीक है। तो चार्ली ऑब्वियसली जेल नहीं जाना चाहता था, इसकी वजह से वो वहाँ से चला गया। तो अब इसके बाद ये डिटेल आती है कि उसने अपने बैंक से $300 निकाले, और उसके बाद उसने उन $300 को ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है। अब ये जो इसके लेस देन $200 मिले ये भी बहुत थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले की बात कर रहा था, जहाँ पे लेस देन $200 होना भी बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। इसके बाद वो उसने कई बार ढूंढने की कोशिश करी कि उसको ये वाला कॉरिडोर मिल जाए, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, लेकिन उसे ये थर्ड लेवल कभी भी नहीं मिला, ठीक है। लुइजा को बहुत चिंता हो रही थी, उसकी वाइफ थी, वो उसके वेलबींग चाहती थी अपने हस्बैंड चार्ली की, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन अब इसमें ये लिखता है कि बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज देयर। इसका रीज़न क्या था, जो उसका फ्रेंड था सैम वीनर, साइकैट्रिस्ट, जिसने इसको कह दिया था कि वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी है और वो इस सब मोह माया से एस्केप करना चाहता है, रियलिटी से एस्केप करना चाहता है। तो फिर वो ही फ्रेंड इसका सैम वीनर ही डिसअपियर्ड, ठीक है। ये यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट होता है स्टोरी का कि सैम वीनर डिसअपियर हो चुका था। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे चार्ली को सस्पेक्ट था कि जो सैम है वो गेल्सबर्ग इलिनॉय ही चला गया 1894 में, किसी तरीके से थर्ड लेवल मिल गया है उसे, ठीक है, थर्ड लेवल मिल गया, इसकी वजह से वो 1894 में ही चला गया। जब चार्ली ने गेल्सबर्ग के बारे में सैम वीनर को बताया तो सैम वीनर सीम प्रिटी इंटरेस्टेड इन इट। फिर एक दिन जब स्टैम्प कलेक्शन चार्ली अपनी डिस्कवर कर रहा था, पुराने वाली, वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, तो फिर उसने देखा कि एक उसके ग्रैंडफादर के टाइम से स्टैम्प पड़ा था और उस पर डेट थी जुलाई 18, 1894, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिटेल है, जुलाई 18, 1894 का एक एनवलप था और उसके अंदर लेटर था जो सैम ने लिखा हुआ था, ठीक है, जो लेटर था वो सैम ने लिखा हुआ था, और उस वो लेटर जो था वो चार्ली को एड्रेस था, और डेट जुलाई 18, 1894 की थी, और वो जो लेटर था वो लिखा गया था गेल्सबर्ग इलिनॉय से, ठीक है, गेल्सबर्ग इलिनॉय से था, जुलाई 18, 1894 का लेटर था, चार्ली को एड्रेस था, और लेटर को सैम ने साइन किया हुआ था, ठीक है। अब इसमें यह बताया गया कि इट वॉज अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, डेफिनेशन लर्न करने वाली है। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स, ये सब। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई भी नया स्टैम्प इशू होता है उस स्टैम्प को वो खरीद लेते हैं और उसको एनवेलप पे लगा के खुद को पोस्ट कर देते हैं। एनवेलप के अंदर लेटर नहीं होता, प्लेन शीट होती है, ठीक है। तो चार्ली जब अपने ऐसे पुराने पुराने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था अपने ग्रैंडफादर के टाइम पे, तभी उसने ये सैम वाला लेटर जो है ये इसने डिस्कवर किया। इसके अंदर इसने चार्ली को, सैम ने यही लिखा हुआ था कि वो लुइजा और चार्ली का वेलबींग चाहता है, और वो कहता है कि वो गेल्सबर्ग इलिनॉय सेफली पहुंच चुका है और उसको 2 वीक्स हो गए हैं, ठीक है, उसको थर्ड लेवल मिल चुका था और वो उसे 2 वीक्स हो गए हैं यहाँ पे, और वो वहाँ का डिस्क्रिप्शन देता है गेल्सबर्ग इलिनॉय का, और कहता है चार्ली और लुइजा को कि तुम भी थर्ड लेवल ढूंढ सको तो आ जाओ, इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट प्लेस है। वो उसको भी, उन लोगों को भी गेल्सबर्ग इलिनॉय में इन्वाइट कर लेता है। इसके बाद चार्ली ने कंफर्म करने के लिए स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर पे गया, और वहाँ पर जब उसने हिस्ट्री रिकॉर्ड्स देखे तो उसने देखा कि सैम ने $800 वर्थ की ओल्ड स्टाइल करेंसी को लिया था, न्यू स्टाइल करेंसी दी थी उसने $800, उसको ओल्ड स्टाइल करेंसी में उसने कन्वर्ट करवाया था।
और अब यहीं पर ये वाली जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सैम वीनर है वो ट्रांसेंड कर गया था 1894 में, पुराने टाइम में चला गया है वो, और जो चार्ली है वो न्यू टाइम में ही रह गया है। और जबकि सैम वीनर ने चार्ली को ही अनहैप्पी और प्लेग्ड विद लाइफ बता दिया था, ठीक है यार। तो अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तुम्हें PDF मिल जाएगा। बेसिकली जो हमारा विस्तार है इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं नए सैम्पल पेपर्स के हिसाब से देखें, और इसके साथ हमारे एक 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे PDF है, बेस्ट नोट्स अवेलेबल हैं विस्तास के, ठीक है। विस्तास में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स आएंगे, लॉन्ग आंसर्स आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, किसी भी चीज़ में तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। इस PDF को पढ़ के जाओ, विस्तास में मार्क्स नहीं कटेंगे। तो यहीं पे हमारा Chapter 1 है विस्तास का, 3rd लेवल ये खत्म हो जाता है। होप तुम लोगों को ये ढंग से समझ आ गया होगा। अब पूछोगे तुम कि भैया क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करने हैं इस चैप्टर के, तो बेसिकली इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एक PDF का लिंक है, उस लिंक को खोलो, उसमें सारे क्वेश्चन हैं तुम्हारे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्कर और 6 मार्कर्स को एक्सटेंसिवली कवर किया गया है, वो करो तुम, विस्तार में मार्क्स नहीं कटेंगे। 3rd लेवल तुम्हें समझ भी आ गई है स्टोरी, इंस्टेंसेस से रिलेट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है 6 मार्कर्स वाले क्वेश्चन में, और 2 मार्कर वाले क्वेश्चन में तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट आंसर करना होता है। अबे यार जैकेट लाया था यार वीडियो बनाने के लिए, वो तो पहनना ही भूल गया, रुको। चलो यार अब नेक्स्ट वीडियो में टाइगर किंग पढ़ रहे होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, ये थोड़ी बोरिंग हो गई थी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो फिर तब तक के लिए चलते हैं, सी या बाय।